वेलकम टू अवेंस गाइस। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड नंबर 109, जिसका टाइटल है एस वर्सेस रायहान मास्टर 8 बनने के लिए मुकाबला। अब इस एपिसोड में कुछ भी ज्यादा बकवास नहीं दिखाई जाती है और सीधा ही दिखाया जाता है कि एस बैटल स्टेडियम के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात लियोन और रायहान के साथ होती है। अब उसके बाद एस और रायहान का मास्टर 8 बनने के लिए बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें रायहान अपने पहले पोकेमोन के तौर पर चुनता है अपने फ्लाइगोन को, तो वहीं फ्लाइगोन के खिलाफ एस चुनता है अपने ड्रैगनाइट को और उसके बाद बैटल शुरू होता है। अब रायहान का फ्लाइगोन अपने ड्रैगन क्लो से ड्रैगनाइट पर अटैक करता है और ड्रैगनाइट ड्रैगन डांस का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है। अब उसके बाद रायहान अपने फ्लाइगोन को स्टेडियम पर सैंडस्टॉर्म अटैक यूज करने के लिए कहता है। अब ये सैंडस्टॉर्म इतना ज्यादा ताकतवर था कि चारों तरफ स्टेडियम में बहुत ज्यादा तेजी से धूल के तूफान चलने लगे, जिसमें एस और ड्रैगनाइट को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और फ्लाइगोन बड़े ही आसानी से ड्रैगनाइट पर अटैक कर पा रहा था। अब उसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट को इससे बचने के लिए स्टेडियम पर ड्रैको मीटियोर से अटैक करने के लिए कहता है। अब उसके बाद ड्रैको मीटियोर के हिट होने की वजह से एस को फ्लाइगोन की लोकेशन पता चल जाती है और एस का ड्रैगनाइट अपने ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करके फ्लाइगोन को नीचे गिरा देता है। अब उसके बाद एक बार फिर फ्लाइगोन उस तूफान में छिप जाता है और ड्रैगनाइट फ्लाइगोन को उस तूफान से बाहर निकालने के लिए ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल करने लगता है कि तभी फ्लाइगोन ड्रैगनाइट पर अटैक करके उसे हरा देता है। अब यहाँ ड्रैगनाइट के हारने की वजह से एस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इससे निपटने के लिए एस अपने गेंगार को बाहर निकालता है, पर सैंडस्टॉर्म की वजह से रायहान का फ्लाइगोन शुरुआत में ही एस के गेंगार पर हावी हो जाता है और अपने बाइट अटैक से गेंगार को बहुत ज्यादा डैमेज देकर नीचे गिरा देता है। अब उसके बाद रायहान एस को कहता है कि वह मास्टर 8 और लियोन के भरोसे के लायक नहीं है और जो भरोसा लियोन एस पर करता है वह भी गलत है। अब उसके बाद रायहान की इस बात का एस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एस रायहान को कहता है कि जो भी हो, मैं यहाँ पर किसी भी हालत में हार नहीं सकता और जो भरोसा लियोन ने मुझ पर किया है मैं उसे सही दिखा के रहूंगा। अब उसके बाद एस अपने गेंगार को जायगेंटा मैक्स कर देता है और जायगेंटा मैक्स होते ही गेंगार उस सारे सैंडस्टॉर्म को अपने अंदर निगल जाता है और उसके बाद जी मैक्स टेरर मूव की मदद से गेंगार फ्लाइगोन को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। अब उसके बाद रायहान निकालता है अपने गुडरा को और बाहर निकालते ही गुडरा को बारिश करने के लिए कहता है ताकि गुडरा की एबिलिटी और पावर बढ़ जाए। अब उसके बाद गुडरा अपना थंडर अटैक गेंगार पर यूज करता है और बारिश की वजह से यह थंडर अटैक गेंगार पर कहीं ज्यादा असर करता है और उसके तुरंत बाद गुडरा अपने सरफ और हाइड्रो पंप की मदद से गेंगार पर हमला कर देता है और गेंगार को बहुत ज्यादा डैमेज होती है। और जब एस ने गेंगार को हार से बचाने के लिए वापस बुलाना चाहा तो गेंगार ने मना कर दिया और एस भी उसे समझ गया। तो वहीं गुडरा ने अपने सरफ अटैक की मदद से गेंगार पर हमला कर दिया था और बचावी हमले में गेंगार ने अपनी ताकत इकट्ठा की और अपने टेरर अटैक से गुडरा पर हमला किया और उसके बाद दोनों ही अटैक दोनों ही पोकेमोन से टकराए और दोनों ही पोकेमोन हार गए। और उसके बाद एस के पास बचा है अपना लुकारियो और रायहान के पास बचा है अपना डुरुलुडोन और दोनों ही अपने अपने पोकेमोन को बाहर निकालते हैं, पर रायहान बिना कोई इंतजार के अपने डुरुलुडोन को जायगेंटा मैक्स कर देता है। और जब एस का लुकारी अपने ओरा स्फीयर से जायगेंटा मैक्स डुरुलुडोन पर हमला करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद रायहान के जायगेंटा मैक्स डुरुलुडोन ने एस के लुकारियों को अपने अटैक में फंसा लिया है, पर इससे एस बिल्कुल भी टेंस नहीं हुआ और ग्रेनिंजा की ही तरह लुकारियों के साथ जुड़ गया। अब उसके बाद लुकारियों ने ग्रेनिंजा के वोटर सार्किन की ही तरह अपने ओरा स्फीयर को हद से ज्यादा बड़ा कर लिया और इसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग, खुद लियोन भी, बहुत ज्यादा चौंक गए। अब उसके बाद लुकारियों ने अपने इस बड़े और ताकतवर ओरा स्फीयर के साथ गेंटामैक्स डुरुलुडोन पर हमला किया, पर डुरुलुडोन इतने ताकतवर अटैक को संभाल नहीं पाया और लुकारियों ने बिना मेगा इवोल्व हुए जायगेंटामैक्स डुरुलुडोन को हरा दिया और इस प्रकार एस रायहान को हराकर बन गया मास्टर 8। अब उसके बाद दिखाया जाता है मास्टर 8 चैंपियंस को, जिसमें अब एस है 8th रैंक पर, आयरस है 7th रैंक पर, एलान है 6th रैंक पर, तो वहीं डियांथा है 5th रैंक पर, उसके बाद लैंस 4th रैंक, स्टीवन 3rd रैंक, सिंथिया 2nd रैंक और फर्स्ट रैंक पर है लियोन द चैंपियन। और अब इन सभी को देखने के बाद एस अब तैयार है अपनी आने वाली मुश्किल, खतरनाक और ताकतवर चुनौतियों से निपटने के लिए। और यदि आपको पोकेमोन के एपिसोड्स और मूवीज देखना पसंद है तो आप यो ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जिस पर आप पोकेमोन के लगभग सभी एपिसोड्स और मूवीज को लगभग फ्री में, फुल HD क्वालिटी में और हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। वियो ऐप को डाउनलोड करना एकदम फ्री है और आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।